तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक सेट है वीवो का Y20 आप जानते हैं वीवो का जो मॉडल है, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि इसका जो फोल्डर है वो रिपेयर कर रहे हैं आज हम, तो ये देखेंगे आप जरा कि हम इसको कैसे किस तरह से रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे ये है और ये माइक्रोस्कोप हमारे पास है, माइक्रोस्कोपिक लेंस, जिसके अंदर हमने जो इसका पत्ता है वो कट चुका है फोल्डर का जो पत्ता वो कट हो जाता है, जिसको हम रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर आप सोच रहे होंगे कि नामुमकिन है और 4 से 5 लाख रुपए की जो मशीन आती है आप सिर्फ उससे इसे रिपेयर कर सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे भाई साहब ये देखिए रिपेयरिंग कर रहे हैं, ये आप ध्यान से देखिए ज़रा, बहुत ही ज़्यादा बारीकी काम जो है वो हो रहा है एकदम तरीके से। तो आप ये वहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बड़ा सारा दिखाई दे रहा है आराम से। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो सप्लाईज़ आपकी मिस हुई है आप उसको रिपेयर कर सकते हैं अगर आपके पास एक स्कोप है। अगर स्कोप नहीं है तो आप छोटे लेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम पहले काम किया करते थे। जो छोटा लेंस है वो हमारा हैरी पॉटर वाला लेंस है, ये वाला, इससे हम छोटा सा बारीकी काम कर लिया करते थे। यूँ आपको दिखा देता हूँ, यूँ इस तरीके से लगा के अगर आप कर सकते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं जूम लगा के, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से इसकी जो पत्ता है यहाँ से थोड़ा सा क्रैक था, जो क्रैक है मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है, ये यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ से क्रैकिंग हुई है इस पत्ते की, ये जो हल्की सी क्रैकिंग है पत्ते के अंदर, ये वाली ब्लैक जो है ये क्रैकिंग है। अब इसके बीच में एक सप्लाई जो अपने डालेंगे, दो जो सप्लाइयाँ हैं, 1, 2, 3 और 4 सप्लाइयाँ जो इनकी मिस हो गई है बीच में इस पत्ते कटने की वजह से, तो अब वो चिमटी से आप देख सकते हैं जो बढ़िया हैं वो इसको डाल रहे हैं कि कैसे इसका करना है आपने आगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि 100 में से 1 फोल्डर कामयाब होगा, आप ये सोच के बैठे होंगे और टाइम भी ख़राब होगा, पर एक बात है पैसा भी किसका कामयाब हो रहा है, आपका ही तो हो रहा है, किसी और का नहीं करने जा रहे हैं आप। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं इसके अंदर, मान के चलिए तकरीबन 20 से 25 मिनट का आपको समय लग सकता है एक फोल्डर के पत्ते को रिपेयर करने में, अगर थोड़ा बहुत कटा हुआ है। अगर ज़्यादा कटा हुआ है तो मान के चले 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो अब ये लास्ट के अंदर हमारा जो फोल्डर है इसकी सप्लाइयाँ डल जाएगी, मतलब कि जो एक लेफ्ट साइड वाली और एक राइट साइड वाली दोनों सप्लाइयाँ काट के डाल दी जाए। तब जो बीच वाली सप्लाई है उसको आराम से बड़े ही बारीकी तरीके से डाला जा रहा है, साथ साथ मैं आपको फ़ोन में दिखा दूँ, ये देख सकते हैं आप फ़ोन में किस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है। इसको अपने आईसीयू की स्टेट कह सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सप्लाइयाँ हम डाल देते हैं, आपको लास्ट में दिखाते हैं फिर आगे कि कैसे ये जो सप्लाइयाँ हैं वो डली है आराम से। लास्ट में सारी साफ़ सफाई करके आपको आराम से दिखाया जाएगा। जो पत्ता है इसको आप ब्लेड से खुरच सकते हैं, खरोंच कर आराम से उसके बाद सप्लाई डालिए, जिससे आप इस फोल्डर को वर्किंग में ले सकें। मतलब थोड़ा सा ध्यान से खुरचिएगा, इतना भी ना करें कि पत्ता जो कटा हुआ है वो और कट जाए। तो लास्ट में मैं थोड़ा वीडियो को आगे स्किप कर देता हूँ, जिससे आप वीडियो को आप आगे देख सकें कि आगे हमने क्या किया है इसके साथ में। ये भी काम चल रहा है।